में रहना पड़ा तो मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं डील करूंगा। उन्होंने इन कामरों को पैगाम दिए है जल हुक्मरानों को कि हमारे वोटरों और सपोर्टरों को, हमारी माँ और बहनों को आजाद कर दो। मुझे जितनी देर जेल में रखना है मैं उसके लिए तैयार हूँ। और सबसे बढ़कर उन्होंने ये बात कही है कि मैं यहाँ किसी डील के लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहता हूँ। पाकिस्तान में सिर्फ ये चाहता हूँ कि अवाम जिनका ये पाकिस्तान है उनका फैसला तस्लीम किया जाए। और इंशाल्लाह जो मैंडेट पे डाका पड़ा है, जो 8 फरवरी को हर हरबा इस्तेमाल कर लिया गया, पार्टी तोड़ दी गई, जबर और जुल्म वो जो आमरियत के दौर में मेरी देखा गया, यहाँ पर निशान छीन लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई, एक एक आदमी पे 50-50 पर्चे दर्ज कर दिए गए, कारोबार बंद कर दिए गए, लीडर जेल में है, इंतखाबी निशान छीन लिया गया, और यहाँ तक कि किसी को कैंपेन नहीं करने दी गई। लेकिन लोगों ने क्या कहा, 8 तारीख को लोग निकले और लोगों ने कहा जान अल्लाह भी, क्या कहा जान अल्लाह भी, जान अल्लाह भी। और फिर शाम को 8 तारीख को एक ऐसा इंकलाब आया, वो इंकलाब किस बात के लिए था कि पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की माएं बहनें बेटियां, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हम जिएंगे तो इमरान के संग, मरेंगे तो इमरान के संग। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। आज हमने रमजान मुबारक के इस बाबरकत मौके पर कारी साहब ने जो दुआ फरमाई है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बड़ा मुसब्बल इस्बाब है, बेशक अल्लाह अल हक है, बेशक। एक सोच ये जालिम सोच रहे हैं, और ये जो चेरी ब्लॉसम है जो 17 सीटों की पैदावार है, और ये पंजाब में जो फूलन देवी बैठी है हारी हुई, मैंडेट ठीक चीफ मिनिस्टर, खुद हारी हुई है हमारे महल खिलाफत से 36 सीटों के साथ, 36 सीटों के साथ ये पंजाब में अल्लाह नबी के नामों के नीचे झूठे हल्फ उठा रहे हैं, झूठे। और यहाँ पिंडी देख ले, मेरा तल्लुक तो साउथ पंजाब के पसमांदा जिला बहावल नगर से है। ये कहते थे ये मम्मी डैडी पार्टी है, कहते थे ये सोशल मीडिया की पार्टी है, कहते थे ये जीडी रोड की पार्टी है। 8 तारीख को पता चला ये पाकिस्तान की पार्टी है, ये इमरान खान की पार्टी है। और इन्होंने जब डब्बे खोले तो हर डब्बे के अंदर से आवाज आ रही थी, केबी नंबर 804 तेरी जान मेरी जान। हर डब्बे से क्या आवाज आ रही थी, तेरी जान मेरी जान। में रहना पड़ा तो मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं डील करूंगा। उन्होंने इन कामरों को पैगाम दिए है जल हुक्मरानों को कि हमारे वोटरों और सपोर्टरों को, हमारी माँ और बहनों को आजाद कर दो। मुझे जितनी देर जेल में रखना है मैं उसके लिए तैयार हूँ। और सबसे बढ़कर उन्होंने ये बात कही है कि मैं यहाँ किसी डील के लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहता हूँ। पाकिस्तान में सिर्फ ये चाहता हूँ कि अवाम जिनका ये पाकिस्तान है उनका फैसला तस्लीम किया जाए। और इंशाल्लाह जो मैंडेट पे डाका पड़ा है, जो 8 फरवरी को हर हरबा इस्तेमाल कर लिया गया, पार्टी तोड़ दी गई, जबर और जुल्म वो जो आमरियत के दौर में मेरी देखा गया, यहाँ पर निशान छीन लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई, एक एक आदमी पे 50-50 पर्चे दर्ज कर दिए गए, कारोबार बंद कर दिए गए, लीडर जेल में है, इंतखाबी निशान छीन लिया गया, और यहाँ तक कि किसी को कैंपेन नहीं करने दी गई। लेकिन लोगों ने क्या कहा, 8 तारीख को लोग निकले और लोगों ने कहा जान अल्लाह भी, क्या कहा जान अल्लाह भी। तारीख को एक ऐसा इंकलाब आया, वो इंकलाब किस बात के लिए था कि पाकिस्तान के नौजवान,
पाकिस्तान की माएं बहनें बेटियां, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हम जिएंगे तो इमरान के संग, मरेंगे तो इमरान के संग। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। आज हमने रमजान मुबारक के इस बाबरकत मौके पर कारी साहब ने जो दुआ फरमाई है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बड़ा मुसब्बल इस्बाब है, बेशक अल्लाह अल हक है, बेशक एक सोच ये जालिम सोच रहे हैं। और ये जो चेरी ब्लॉसम है, जो 17 सीटों की पैदावार है, और ये पंजाब में जो फूलन देवी बैठी है हारी हुई, मैं गेट थी चीफ मिनिस्टर खुद हारी हुई है हमारे महल शराफत से 36 सीटों के साथ। ये पंजाब में अल्लाह नबी के नामों के नीचे झूठे हल्फ उठा रहे हैं, झूठे। और यहाँ पिंडी देख ले, मेरा तल्लुक तो साउथ पंजाब के पसमांदा जिला बहावल नगर से है। ये कहते थे ये मम्मी डैडी पार्टी है, कहते थे ये सोशल मीडिया की पार्टी है, कहते थे ये जीडी रोड की पार्टी है। 8 तारीख को पता चला ये पाकिस्तान की पार्टी है, ये इमरान खान की पार्टी है। और इन्होंने जब डब्बे खोले तो हर डब्बे के अंदर से आवाज आ रही थी, कैदी नंबर 804 तेरी जान मेरी जान। हर डब्बे से क्या आवाज आ रही थी, तेरी जान मेरी जान। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अब मैं कुदरत की तखलीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।